हेलो ऑल, वेलकम टू कुंद्रा क्लासेस। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डिस्क शेड्यूलिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो डिस्क शेड्यूलिंग है, कि डिस्क शेड्यूलिंग हम कैसे करते हैं। तो अभी तक हमने शेड्यूलिंग पढ़ा था प्रोसेस, सीपीयू शेड्यूलिंग हमने पढ़ा था कि सीपीयू किस तरीके से प्रोसेस को शेड्यूल करता है। बहुत सारी अगर उसके प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाती है तो उसको शेड्यूल कैसे करता है। तो FCFS पढ़ा होगा आपने, राउंड रॉबिन पढ़ा होगा, SGF पढ़ा होगा, प्रायोरिटी पढ़ा होगा, इसमें प्रिमिटिव पढ़ा होगा, नॉन प्रिमिटिव पढ़ा होगा। ये मेरी वीडियोज आप देख सकते हैं, मैंने वीडियोज डाल रखी है। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कुछ अलग, वो डिस्क की शेड्यूलिंग कैसे करते हैं। अब एक डिस्क क्या है, डिस्क मतलब हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क हो गया या कोई भी मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, तो हम उसको डिस्क बोलते हैं। तो अब वो जो डिस्क है, अब वो डिस्क काम कैसे करती है और उसका शेड्यूल कैसे करते हैं, इसकी शेड्यूलिंग कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो डिस्क को अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं, ये देखिए ये डिस्क है, तो ये डिस्क है और इस डिस्क में ये डिस्क है आपकी, ठीक है। अब इस डिस्क में क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, क्लियर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं बहुत सारे, क्लियर। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, चलो ये मैंने बना दिया, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये जो सर्कल्स हैं कॉन्सेंट्रिक, इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को हम लोग बोलते हैं ट्रैक्स। क्या बोलते हैं इनको, ट्रैक्स। और ये ट्रैक्स तो आपने देखे ही होंगे, अगर आपने किसी कोई रेस देखी है, ठीक है, तो आप देखोगे उसमें लोग उसी अपने ही ट्रैक में दौड़ते हैं। तो दीज आर कॉल्ड, एक डिस्क में भी ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ना, इन्हें हम लोग बोलते हैं ट्रैक। क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इन ट्रैक्स को हम लोग फर्दर सब डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इन ट्रैक्स को भी हम लोग फर्दर सब डिवाइड कर देते हैं। इस प्रकार से हम लोग भी मैन्युफैक्चरर्स डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो है एक, ये या इसकी बात करें, या मैं इसकी बात करूं, ठीक है, या मैं इसकी बात करूं, ये जो बहुत सारे आपको ऐसे ऐसे ब्लॉक्स दिख रहे हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं सेक्टर्स। इन्हें क्या बोलते हैं, सेक्टर्स। तो ये आपको याद रखना है, इन्हें क्या बोलते हैं, सेक्टर्स, SECTORS, सेक्टर्स। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल को बोलते हैं ट्रैक, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जो डिवीजन है दैट इज नोन एज व्हाट, सेक्टर्स, ठीक है। तो एक ट्रैक में कई सारे सेक्टर्स हो सकते हैं, जो आपको दिख रहे हैं ये सेक्टर्स हैं जो बोलते हैं। अभी क्या होता है, अब आप ध्यान से समझिएगा, होता क्या है कि सपोज करो हेड कुछ इस तरीके से होता है। आप ये मेरे हाथ को ना हेड समझ लीजिए, और इस पिन, मेरे हाथ को आर्म समझ लीजिए, और इस पिन को हेड समझ लीजिए। ये आर्म है और ये हेड लगा हुआ है, ठीक है। तो हेड स्टार्टिंग में मान लो यहां पे, क्लियर। अब सपोज करो आपको ये आपकी डिस्क है और आपको कोई गाना सुनना है, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, ये तो आजकल चल ही रहा है ट्रेंड में, चलो कोई बात नहीं। तो जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, वो क्या कहां पड़ा है, लास्ट ट्रैक के किसी सेक्टर में पड़ा हुआ है, वो गाना पड़ा हुआ है। अब आपका मन आ गया, आपको थोड़ा सा इमोशन हो गया किसी के साथ, आपको मन कर रहा है यार जग घूमिया देखना है। तो अब आपने क्या किया, जग घूमिया को क्लिक किया, तो काम अंदर कैसे हो रहा है मैं आपको वो समझा रहा हूं। तो ये हेड, अभी ये जो हेड था वो यहां पड़ा हुआ था, बीच में यहां, मानो यहां पड़ा हुआ था। अब लेकिन जो जग घूमिया है वो तो यहां पड़ा है आखिरी वाले ट्रैक पे, तो हेड क्या करेगा, वो स्लाइड करके पीछे आएगा, वो उस ट्रैक पे आएगा जिस ट्रैक के किसी सेक्टर पे वो गाना पड़ा हुआ है। तो हेड यहां पे आ गया, क्लियर। तो हेड तो भैया एक ही डायरेक्शन में मूव करता, ऐसे और ऐसे, ऐसे नहीं कि हेड ऐसे ऐसे नाचेगा, हेड नाचने वाला नहीं है, हेड सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हेड पहले यहां था, तो अब वो उसको पता चला कि ये जो जिस गाने को मैं ढूंढ रहा हूं वो किसी आखिरी ट्रैक में, तो फटाफट से धीरे धीरे करके वो आखिरी ट्रैक में यहां पर आ गया। अब क्या, अब सीडी घूमेगी, अब सीडी घूमेगी और ये जो जग घूमिया करके टक 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 घूमना शुरू होगी, और ये यहां से घूमते घूमते, ये ऐसे घूमते 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 यहां पे आ जाएगी, ठीक है। और ये जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, यहां से हटके, यहां से हटके यहां पे आ जाएगा और आप गाना सुनना चालू कर देंगे, क्लियर। तो ये होता है कुछ प्रोसेस। अब आती बात, हो क्या रहा है, हुआ क्या, जो टाइम हेड ने ट्रैक को ढूंढने में लगाया, जो टाइम हेड ने ट्रैक को ढूंढने में लगाया, उस ट्रैक टाइम को बोलते हैं सीक टाइम। सीक मतलब ढूंढना, सीक मतलब ढूंढना। द टाइम टेकन बाय रीड राइट हेड टू लोकेट डिजायर्ड ट्रैक इज नोन एज सीक टाइम। वो समय जो किसी रीड राइट हेड ने लिया किसी ट्रैक को ढूंढने में, उसे बोलते हैं क्या, सीक टाइम। अब यहां तक वो पहुंच गया था,
अब क्या वो सीडी घूमी, अब सीडी घूमी और हेड के नीचे वो सेक्टर आ गया, तो वो समय जो सीडी ने लिया हेड के नीचे आने पे उसे बोलते हैं लेटेंसी या रोटेशनल लेटेंसी। उसे क्या बोलते हैं? लेटेंसी या रोटेशनल लेटेंसी। अभी पढ़ो ध्यान से, देखो ध्यान से। तो सीक टाइम क्या होता है, आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे, वादा कर रहा हूं मैं आपको। सीक टाइम क्या होता है? द टाइम टेकन बाय रीड राइट हेड टू लोकेट डिजायर्ड ट्रैक। डिजायर ट्रैक को ढूंढने में जितना टाइम लगा उस टाइम को बोलते हैं सीक टाइम। और द टाइम, ये द टाइम टेकन बाय डिस्क, अब डिस्क घूम रही है, डिस्क that time taken by disc sector, disc के sector to come under retrieve head के नीचे आने में उसने जितना समय लगाया उसे बोलते हैं latency या rotational latency। ठीक है, ये आपको बताना था मुझे, दो बहुत ही important चीज थी, तभी आप disc scheduling पढ़ पाओगे। clear? अब disc scheduling में आपको पढ़ना क्या क्या है? disc scheduling में आपको पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है FCFS, clear? FCFS पढ़ना है, दूसरा आपको पढ़ना है SSTF, shortest seek time first, SS TF, तीसरा आपको पढ़ना है स्कैन, चौथा आपको पढ़ना है सी स्कैन, पांचवा आपको पढ़ना है लुक, और छठवां आपको पढ़ना है सी लुक। तो ये डिटेल्ड में मैं वीडियो बनाऊंगा, इसके वीडियो बनी है, बना के बनेंगे और इसको डिटेल में आप एक एक चीज को पढ़ेंगे, आप इसको एक ध्यान से देख पाएंगे कि क्या क्या ये चीजें हैं। ठीक है, आओ मैं अभी क्या करता हूं आपको बहुत एक बार, मैं हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर दिखा देता हूं कि हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर होता कैसे। लेट स्टार्ट, मैंने ये उठाया और ये मैं बढ़ना शुरू कर रहा हूं और ये मैं पहुंचा हार्ड डिस्क के पास। तो भैया आप ध्यान से देख लो, इसे बोलते हैं भैया हार्ड डिस्क, क्लियर है? तो ये है हार्ड डिस्क। अब इस हार्ड डिस्क में क्या है, देखो ये जो बहुत प्लेटें लगी हुई है, अंदर बहुत सारे डिस्क लगे होते हैं, तो ये हमारे मैग्नेटिक डिस्क लगे होते हैं, क्लियर? इस डिस्क के जहां बीच में ये फंसे होते हैं इसे स्पिंडल बोलते हैं, ठीक है? और ये स्पिंडल में मोटर लगी होती है, इसे स्पिंडल मोटर मोटर बोलते हैं, ये रोटेट करती है। अब एक आर्म होता है, इसे असेंबली आर्म बोलते हैं, और इसके दोनों तरफ आप डिस्क के ऊपर भी लिख सकते हो, प्लेट के ऊपर भी लिख सकते हो और नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है? तो यहां पर यह हेड लगा रहता है और हेड देखो आगे से पीछे मूव करता है, हेड आर्म तो फिक्स रहेगी, हेड ऐसे से ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो ये हेड होता है, रीड राइट हेड होता है, ठीक है? इसको मैंने आपको पहले ही बताया, ट्रैक बोलते हैं गोल गोल को, और ये जो इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। और जब बहुत सारे ट्रैक सेम ट्रैक की बात करें तो वो क्या बना देते हैं, सिलेंडर बना देते हैं। अगर कोई तुमसे बोले व्हाट इज सिलेंडर, तो कलेक्शन ऑफ बहुत सारे ट्रैक इज नोन एज सिलेंडर। और ये क्या है, प्लैटर है, ये आर्म है और ये रीड राइट हेड है, ठीक है? तो मैंने कहा एक बार आपको हार्ड डिस्क का अंदर का स्ट्रक्चर तो मैं दिखाई दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये हार्ड डिस्क है क्या, क्लियर? चलो, तो ये तो आपको भैया समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा, ये मैं यहां पर रख देता हूं एक बार फिर से, क्लियर? चलो, तो ये मैंने रख दिया, तो ये हो गया। अच्छा, अभी आपको मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको पढ़ना क्या क्या है। आपको पढ़ना है ओके, आपको पढ़ना है सीक टाइम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ना है लेटेंसी टाइम क्या होता है, ये डिस्क हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें सेक्टर होते हैं, ट्रैक होते हैं, कौन कौन से आपको शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ने, एफसीएफएस पढ़ना है, एसएसटीएफ पढ़ना है, स्कैन पढ़ना है, सी स्कैन लुक या सी लुक कैसे पढ़ना, ये सारी चीजें अब आपको देखनी है, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग तुंद्रा क्लासेस, आपसे बोल रहा हूँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, दूसरों को भी बोल दो यार, प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू सो मच।